لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد तो ये सूरह मुबारका जिसकी तिलावत की गई इरशाद हज़रत हक़ जल्ला व आला होता है कि पैगंबर हमने आपको कसरत नस्ल अता की है, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो दुश्मन है वही अबतर है, वही मक्तूउ नस्ल है, वही दुमबुरीदा है। अर्ज़ किया गया कि इस कसरत नस्ल का मिसदाक जनाब सिद्दीक़ ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। कल तक बात यहाँ पहुँची कि किस तरीक़े से अल्लाह ने इस कौसर को बहिश से सीधे मुस्तकीमन सुलब पैगंबर तक मुंतकिल किया। अब आज गुफ्तगू ये होगी कि सुलब पैगंबर से रहम खदीजा में मुंतकिल होना और इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, तो उसके बाद जो वक्त होगा थोड़ा सा मसा है। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह के सहाबियों में शुमार होता है हज़रत मुफद्दल इब्ने उमर रिदवानुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन ये तशरीफ़ लाए हमारे और आपके छठे इमाम की बारगाह में। ख़ुद ही कहते हैं कि कुल तो ले अबी अब्दुल्लाह सादिक कैफ काना विलादतु फातिमा, मौला ज़रा फरमाइए कि बीबी की विलादत की कैफियत क्या थी, कैसे इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं। फ़काल अलैहि सलाम नाम, इमाम ने कहा ठीक है, मतलब हर जगह हाँ का तर्जुमा थोड़ी होगा, मतलब आपने पूछा है तो फिर बैठिए फिर सुन ही लीजिए। आज फरमाते हैं कि इन खदीजा लम्मा तज़व्वज बिहा रसूलुल्लाह, कि जब पैगंबर ने हज़रत खदीजा से शादी कर ली हजरत हा निस्वत मक्का, तो सारी मक्के की औरतों ने जनाब खदीजा का बाइकाट कर दिया। और ये बाइकाट इतना शदीद था कि फकुन्न ला यदखुलना अलैहा वला युसल्लिमना अलैहा, न कोई मिलने आता था आती थी, न कोई सलाम करती थी। और ये नहीं है खुद, अगर कोई और भी जो है वो अमराई गांव वगैरह से भी कोई खातून आ रही है, कहाँ चलो इनसे मिलने की इजाज़त, इतना सख्त बाइकाट था। कुछ समझ में आया, ये बाइकाट की सियासत बड़ी पुरानी है और आज भी जो जिसके वारिस हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं सलावात मोहम्मद, ये पुरानी चली आ रही है। वला यतरुकन इमरातन तदखुलु अलैहा, अच्छा अब जाहिर सी बात है कि पूरे शहर में कोई आपसे मिले नहीं कोई सलाह, तो दहशत तो होगी ना, वहशत तो होगी। लेकिन हजरत खदीजा का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वहशत तो है, दहशत तो है, लेकिन अपने लिए नहीं है। इसीलिए तो पैगंबर आखिर उम्र तक याद फरमाते रहे, कहते हैं कि वकान जज़ुहा व गम्मुहा हज़रन अलैह सल्लल्लाहु अलैहि, सारा टेंशन किसका था,
अपना नहीं, रसूलुल्लाह का। फलम्मा हमलत बिफातिमा, जब नूर फातिमा सुल्ब पैगंबर से रहम हजरत खदीजा में मुंतकिल हो गया, फकानत तुहद्दिसुहा मिन बत्निहा, तो आलम यह था कि जनाब फातिमा शिकम मादर से जनाब खदीजा से बात करती थी। वतुसब्बिरुहा, और माँ को सब्र की तलकीन करती थी। वकानत तक्तुमु ज़ालिक मिन रसूलिल्लाह, और जनाब खदीजा ने इसको पैगंबर को भी नहीं बताया। फदखला रसूलुल्लाह यौमन, एक दिन पैगंबर तशरीफ़ ले आए हुजरे में। अच्छा, आज के ज़माने में अभी आप फैज़ाबाद तशरीफ़ ले जाइए, हम किसी से बात कर रहे हैं, लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया, आप तशरीफ़ ले आए, कमरे में कोई नहीं है, मोबाइल भी हाथ में नहीं है, और हम अपने एतबार से जी हाँ नहीं नहीं आप टेंशन मत, मैं इंशाल्लाह वक्त से, नहीं नहीं आप परेशान। तो अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ अकेले हुजरे में, तो किसी को ताज्जुब नहीं होगा, सबको पता है कि ठंडक का ज़माना है, ब्लूटूथ यहाँ लगा है, मोबाइल कहीं रखा होगा, तो किसी को ताज्जुब। लेकिन आज से 1400 बरस पहले अगर अकेले हुजरे में कोई खातून बात कर रही है तो ताज्जुब की बात है कि नहीं है? रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए तो देखा जनाब खदीजा बात कर रही हैं। फ़काल अल्लाह या खदीजा मन तुहद्दिसीन, ए खदीजा किससे बात कर रही, मतलब यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, किससे बात कर रही हो? कालत अल जनीन अल्लज़ी फ़ी बतनी, वो बच्चा जो मेरे शिकम में है, युहद्दिसुनी व यूनिसुनी, ये मेरा मूनिस है, गमगुसार है, मुझसे बातें करता है। पैगंबर ने फरमाया या खदीजा हाजा जिब्राइल, खदीजा अभी अभी ताज़ा जस्ट जिब्राइल, युबश्शिरुनी या युखबिरुनी, मुझे खबर दे के गए हैं, बशारत दे के गए, अन्नहा उनसा, कि ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। वह अन्नहा अन्नस्लतु ताहिर अल मैमून, और इसकी नस्ल पाक है, दूसरे मुबारक है। وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا, और अनकरीब अल्लाह मेरी नस्ल को इसी बच्चे से चलाएगा। وَسَيَجْعَلُ مِنْ نَسْلِهَا أَئِمَّةً, और अल्लाह इसी की औलाद को इमाम करार देगा। وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِ, और ज़मीन पर अपना खलीफा बनाएगा। बाद इनकदा वही, जबकि वही का सिलसिला रुक चुका होगा। ये गुफ्तगू करके पैगंबर तो चले गए, ये सिलसिला चलता रहा। फलम तजल खदीजा अला ज़ालिक हाल, माँ बेटी एक दूसरे से गुफ्तगू करती रही। इला अन हज़रत विलादतहा, यहाँ तक कि विलादत का वक्त आन पहुँचा। फवज्जहत इला निसाए कुरैश व बनी हाशिम, देखिए अब पहले मैं आपको एक चीज़ गुजारिश कर दूं, फिर ये सुनाता हूँ। सलावात बर मोहम्मद, देखिए शहर वालों को इतना ज़्यादा ना कोई प्रॉपर्टी का शौक़ होता है, ना इतना यहाँ कोई मसला है। देहातों में आज से 50 साल पहले तक और ज़्यादा था, अब भी कहीं ना कहीं है। के वसी हसन साहब के पास 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन है, छोटे से किसान हैं, एक लड़का है। बगल के गांव में एक साहब है जिनके पास 500 एकड़ ज़मीन है और एक ही लड़की है, इत्तेफाक से थोड़ा लंगड़ी है, IBS जो भी है। लेकिन अब वसी हसन साहब की नज़र लगी है उसके ऊपर कि यार 10 एकड़ तो अपना है ही है, अगर 500 इनका मिल जाएगा, अगर इनकी बेटी से शादी हो जाए मेरे बेटे की, तो फिर इस इलाके में हम ही हम हैं। ये होता है नहीं होता है? उस ज़माने में जनाब खदीजा से ज़्यादा टर्नओवर तो किसी का नहीं था सर, तो हल्के फुल्कों की तो औकात नहीं है। लेकिन जिसका जो है वो 50,000 का टर्नओवर रहा होगा, उसके दिमाग में आया कि 50,000 का टर्नओवर मेरा और 50,00,000 का खदीजा का, अगर मेरी शादी खदीजा से हो जाती तो मेरा 50,000 और उनका 50,00,000 दोनों मिल के, फिर ये तो खुद ही मलिकतुल अरब है, फिर हम ही हम रहते। डायरेक्ट बात करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो अब क्या हुआ, भाई मौलाना जरा अपनी बीवी से बात करो यार, खदीजा के पास जाएं।
अब पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन अकल ये कहती है कि शायद कुछ इसका भी वो हुआ हो कि करवा दो हम 10-5 हज़ार समझ लेंगे तुमको। वो गई साहब, वहाँ से वापस आ गए अपना समूह लेके, हे भैया ज़रा आप बात कीजिए, इनकी बीवी गई वो भी वापस आ गई, आप बात कीजिए। वो जितने गए अपना समूह लेके वापस आ गए। यहाँ जो है खदीजा को खबर मिल चुकी है कि ये शख्सियत कल को नबी होने वाली, तो उल्टा ये रिश्ता उधर से आ गया। तो एक तो अपनी बात नहीं मानी गई वो तपन, दूसरे ये कि साहब खुद से आपने रिश्ता भेज दिया रसूलुल्लाह के पास, वो और तपन बढ़ गई। अब जब ये वक्त आया विलादत का और शहजादी ने भेजा जनाब खदीजा ने कि भाई आओ, तो अब इन लोगों का अब जवाब सुनिए तपन वाला, सलवात दर मोहम्मद आ। فوجهت الى نساء قريش وبني هاشم ان تعالين لتلين مني ما تل النساء من النساء، आ जाओ। ये वक्त है जैसे औरतें एक दूसरे का साथ देती हैं, तुम भी इस पैदाइश में मेरी मदद करो। فارسلنا اليها، तपन ज़हन में है ना, فارسلنا اليها، इन लोगों ने जवाब कहलाया انت عصيتنا، तुमने नाफरमानी की हमारी। वलम तकबली कौलना, हमारी बात तो तुमने मानी नहीं, वही वाली है ना, व तज़व्वजती मुहम्मदन, हमारी बात नहीं मानी और उल्टा जाके तुमने शादी कर ली किससे, मोहम्मद से, यतीम अबी तालिब, अबू तालिब के यतीम से। अबू तालिब के यतीम है कि अब्दुल्ला के यतीम है, लेकिन ऐसा भतीजे को जो है वो आगोश में लिया है कि लोग बजाय अब्दुल्ला के यतीम अबू तालिब कह रहे हैं, सलवात दर मोहम्मद। व तज़व्वजत मुहम्मदन यतीम अबी तालिब फकीरन ला माल लह, और तुमने अबू तालिब के यतीम मोहम्मद से शादी कर ली जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। फलसना नजी, जाओ हम लोग नहीं आएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, जो किया है भुगतो झेलो, हमारी बात तो सुनी नहीं तुमने, तो जाओ जैसा किया वैसा झेलो। फलसना नजी वला नली मिन अमरिकी से, हम कोई साथ नहीं दे पाएंगे। आज का जमाना होता तो आज कम से कम इतना अखलाक है, आई एम वेरी सॉरी मैं नहीं साथ दे पाऊंगी, यही ना, उन सबों ने तो वेरी सॉरी भी नहीं कहा होगा। सलवात दर मोहम्मद। वला नली मिन के शैयन फगतम्मत खदीजा लिदालिक, जनाब खदीजा को टेंशन हुआ कि अब क्या होगा, कोई एक खातून तो होती। फबैना ही कदालिक, अब इसी उलझन में थी, अब क्या होगा कैसे होगा कोई आ ही नहीं रहा है, ये सारा टेंशन अपनी जगह। इस दखला अलैहा अरबा निस्वा, अच्छा चाहे जितना मजबूत जिगर का आदमी हो, अच्छा जब तक पढ़ती नहीं है, आप लोगों का भी सबका पड़ा होगा एक से एक फेंकने वालों से, कि वो यूं ऐसे जा रहे थे और फला साहब जगह जंगल में निकलने वाले थे कि तब तक साहब कम से कम 4 फीट लंबा शेर आ गया एक से एक फेंकने वाले में। ये जितने फेंकने वाले हैं, दरवाज़ा बंद हो, कोई नॉक न करे, कोई दरवाज़ा खोलने न जाए, बंद दरवाजे के अंदर अचानक 4 लोग आ जाएं, तो हालत ख़राब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। वहाँ न किसी ने खटखटाया, न किसी ने दक्कुलबाब किया, न किसी ने जाके दरवाज़ा खोला कि इस दखला अलैह अरबा निसवा, 4 औरतें लांबी लांबी, कअन्नहुन्ना निसा बनी हाशिम, लग रहा था सूरत शक्ल से जैसे ख़ानदान है बनी हाशिम। फ़ज़अत मिन्हुन्ना लम्मा रअतहुन्ना, अब देखा है, अरे कौन है आप लोग, टेंशन तो होगा ना। फ़कालत इहदाहुन्ना, एक उसमें से बोल पड़ी, ला तहज़नी या खदीजा, खदीजा घबराओ मत, टेंशन मत लो। फ़इन्ना रुसुलु रब्बिकि इलैकि, हम सब आपके परवरदिगार की तरफ से आपके पास भेजे गए हैं। वनहनु अख़वातुक, मतलब हम जिन भूत परी नहीं हैं, नहनु अख़वा, हम इंसान ही हैं, आपकी बहनें हैं। अब जो बोल रही थी उसने पहचानवाना शुरू किया, कहती है अना सारा, मैं सारा हूँ। वहाद ही आसिया बिन्त मुज़ाहिम,
और ये जनाबे आसिया हैं, हुआ ही रफ़ीक़त की फिल जन्नत, और ये तो जन्नत में भी आपके साथ रहेंगी बहसियत सकी के। वहाँ दा मरियम इब्न तो इमरान, और ये जनाबे मरियम है। वहाँ दी कुलसुम उख्त मूसा, और ये मूसा की बहन जनाबे कुलसुम है। क्यों आई हैं आप लोग? मसलन बासन अल्लाहु इलैके, अल्लाह ने हम लोगों को भेजा है आपकी तरफ। क्यों? ले नली मिन के मा तल निसा मिन निसा, ताकि ऐसे मौके पर औरतें जो एक दूसरे का साथ देती हैं, हम आपका साथ दे सकें इस पैदाइश के अम्र में। फजलसत वाहिदतुन अन यमीनहा, एक दाहिने, व उखरा अन यसारहा, दूसरी बाएं, व सालिसतो बैन यदैहा, तीसरी सामने, व राबिअतो मिन खल्फहा, चौथी पीछे। फवदअत फातिमा ताहिरतुन मुतहरा, फिर इन चार बहिश्ती औरतों के ज़रिए वजूद मुबारक सिद्दीक़े ताहिरा का इस कायनात में सलावात दर मुहम्मद वाह। अब यहाँ एक आयत पढ़ने का दिल चाहता है। कुरान में एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपने जुगाड़ में है, अल्लाह अपनी तदबीर में है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बढ़िया तदबीर करने वाला कौन है? इन लोगों ने बाइकाट क्यों किया था? झेलेंगी जब कोई चारा नहीं बचेगा तो आखिरकार, भाई अरे छोड़ो भाई, पुरानी बात, गलती हो गई, माफ़ करो, हाथ पैर जुड़वाएंगे। अल्लाह मुस्कुरा रहा, हम तो चाहते ही हैं कि तुम लोग ना आओ। मकर अल्लाह, अल्लाह अपने तदबीर में है, तो अल्लाह क्यों चाहता है कि ये लोग ना आए? तो अजब नहीं, आवाज़ कुदरत आए, पता है विलादत किसकी है? हमने कहा फातिमा ये जहरा की। फातिमा कौन है? मरकज़े आये तत्हीर, नजिस औरतों का हाथ लग कैसे सकता है? सलावात दर मोहम्मद वाल। खो फलम्मा सकतत इलल अर्द, जब वजूद मुबारक इस जमीन पर आ गया, जाहिर हो गया, अशरक मिनहा नूर, बीबी से एक नूर चमका, साते हुआ, हत्ता दखला बुयूतात मक्का, यहाँ तक कि ये नूर मक्के के हर घर में दाखिल हुआ। वलम यबक फी शर्किल अर्द वला गर्बहा, और यही नहीं कि मक्के के हर घर में, एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरते, इसका एजाज देखेंगे आप। जनाब फातिमा के बेटे कितने थे? तीन, इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह, और जनाब मोहसिन या मुहसिन। मोहसिन की तो शहादत हो गई इस दुनिया में आने से पहले, तो ये मोहसिन की शहादत, मोहसिन की शहादत नहीं है, ये गोया रसूलुल्लाह की एक तिहाई नस्ल का खात्मा है वहीं। इसको हल्के में नहीं ले सकता आदमी, तो एक तिहाई नस्ल तो वहीं ख़त्म कर दी गई। अब आइए जनाब अली अकबर की नस्ल चली, अली असगर, तो इमाम हुसैन की नस्ल किससे चली? इधर आइए, इमाम हसन कासिम से, अब्दुल्लाह से, किससे चली? हसन मुसन्ना, तो वहाँ भी चल नहीं हो पाई ना, तो एक तिहाई तो वो ख़त्म हो गई। फिर इमाम हुसैन की नस्ल एक से चली, इमाम हसन की नस्ल एक से चली, उसके बावजूद ज़मीन का, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीन का कोई खित्ता शायद, अब आप लोग तो इतना नहीं जाते आते कहीं, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले तक जो मैंने देखा है, देहातों वहातों में जाते थे, चले जा रहे हैं साहब रक्शे से, एक एक घंटा, दो दो घंटा, वो रक्शे वाला बेचारा कभी पैदल, कभी जो है बैठ करके, कभी पसीना पोंछता, कभी साइड लगा करके फरागत करता है, बहरहाल दो घंटे बाद पहुंचे, मालूम है पूरा जंगल एक मकान है। क्या नाम है साहब आपका? फला हुसैन आबदी। अरे
इस बयाबान में ये आदमी कहां से आ गया? कुछ समझ, सवाल होगा कि नहीं होगा? का क्या इन्ना आतैना कल कौसर भूल गए? ये है इस आयत का एजाज। अब जो मेरी, मैं नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं 100% वही करेक्ट है और वही सही है, लेकिन मेरी अकल में जो बात आई है कि कैसे हर गोशे में नस्ले पैगंबर कैसे पहुंची। अब यहां ये फरमाते हैं वलम यबका फी शर्क الارض ولا غربها موضع الا اشرق فيه ذلك النور, न مشرق न मगरिब, जमीन का कोई हिस्सा बचा नहीं जहां नूर फातिमा चमका ना हो। कुछ समझ में आया? अकल कहती है शायद यही, जहां जहां नूर फातिमा चमका वहां वहां औलादे पैगंबर पहुंची। सलावा ولم يبقى في شرق الارض ولا غربها الا اشرق فيه ذلك النور ودخل ابوس کے بعد ودخل عشر من الحور العين, پھر 10 عدد حوریں آئیں۔ ابھی تو یہ چار خواتین تھیں, نحن اخوات, نہ جن نہ پری نہ حور, کچھ نہ انسان۔ اب دخل عشر الحور العين, 10 عدد حوریں آئیں, كل واحدة معهن طست من الجنة, سبكه پاس لگن طشت, وابريق من الجنة, اور جنت کا لوٹا, وفي الابريق ماء من الكوثر, اور لوٹے میں آب کوثر, فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها, تو جو لیڈی سامنے تھی उसने बीबी को अपनी आगोश में ले लिया, फगसलतहा बिमा इल कौसर, और बीबी को गुस्ल दिया आबे कौसर से। यहाँ कुछ लोग जज्बाती होते हैं ना, तो ये सब जनाब फातिमान को गुस्ल की क्या जरूरत है? मैंने कहा ये कौन कहता है कि गुस्ल की जरूरत सिर्फ जो है गंदी नजासत की वजह से होती है? गुस्ल देना नजासत की वजह से और है, साफ व पाक रहना और चीज है। सलवाह दर मोहम्मद वाह। वगसलतहा बिमाइल कौसर, आबे कौसर से गुस्ल दिया गया, फतनावलतहा المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بما واخرجت خرقتين بيضاوتين, फिर उसके बाद उस लेडी ने दो कपड़े निकाले और दोनों कपड़ों का कलर था सफ़ेद, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबूदार। ये दो कपड़े निकाले का मतलब कहीं मार्केट में तो ख़रीदा नहीं है, वहीं से लेके आए ना, तो यानी ये दो कपड़े भी कहाँ से आए? जन्नत से। दो कपड़ों की ज़रूरत क्या है? तो एक का तो ये कहते हैं फलफ़तहा बिवाहिद, एक को उसने बीबी के जिस्म मुबारक पर लपेट दिया, तो एक तो यूज हो गया, दूसरा क्यों आया? अब आप हमको 5 मिनट का वक्त दीजिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये आप लोगों को उतना अंदाज़ा नहीं है, हम लोग ज़्यादा इससे जो है वो वाकिफ हैं, इसलिए कि आप लोग निकाह तो पढ़ते नहीं, या पढ़ते हैं? तो जब निकाह नहीं पढ़ते तो बाहर ही रह जाते हैं आप लोग, अंदर का हाल नहीं मालूम है। सलावात दर मां, अब हमसे सुनिए आप, समझ गए आप अंदर का हाल? एक मरतबा हम गए, अब वो बेचारे मुस्तन साहब उनके गांव की, अब वो चीख रहे हैं हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग। अब काहे को कौन हटेगा भाई, इतनी सी जगह बेचारे कहाँ हट के चली जाए। तो ये रिदा है ना, इसको मैंने लिया, डाल लिया सर पर और यो घूंघट की तरह निकाल लिया। अब लगी औरतें हंसने, हमने कहा भाई हंसने क्या, जब आप लोग पर्दा नहीं करेंगे तो हम ही कर लें। बकौल अकबर इलाहाबादी के मर्दों की अकल पे पड़ा तो हम कम से कम चेहरे ही पे डाल लें। सलावात दर मोहम्मद। तो अब सुनिए साहब, तो होता यह है कि जैसे ये लोग बच्चे बच्चे हैं, इनके साथ आप हंसते खेलते रहिए, तो 10-20 साल के बाद जब ये इंजीनियर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, तो ये याद रहेगा।
कि यार जब हम लोग जो है बच्चे थे तो वसी साहब कैसा हमसे हंसते खेलते थे, तो वो आपका वो असर रहेगा, आज उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दिन साहब जो है वो मैं चला, तो रहता फैजाबाद में हूँ, मेरा गांव है वहाँ से भी 100 किलोमीटर के बाद, शाहगंज एक जगह है। तो लखनऊ तक के दोनों रास्ते पर 30 साल हो गए, मुझको पता है शिया आबादी दोनों तरफ सड़क के कहाँ कहाँ है। एक दिन साहब बस में बैठे आ रहे थे, भीड़ बहुत थी, किसी सूरत से पीछे जगह मिली, जाके बैठ गए। अच्छा, औरतों की तरह हम लोग भी करते हैं, वो अपना नकाब रखती हैं कंडिये में, हम लोग अपनी अबा कबा रखते हैं अटैची में, तो दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं। तो वो अबा कबा अटैची में रख करके जा रहे थे, 2-4 किलोमीटर बढ़े तब तक एक साहब ने बस वाले को हाथ दिया, तो इलाके के थे, पहचान गए फलाने चा तो हैं। तो साथ में उनके एक खातून थी, तुमने कहा शायद इनकी बहू होगी या बेटी होगी, लखनऊ लखनऊ में कहीं रहती होंगी। अच्छा पापा खुदा हाफिज का, खुदा हाफिज, वो यहाँ आगे बैठ गई। जो 10 किलोमीटर जो है बस चली होगी, तो पुराने ज़माने में याद होगा आप लोगों को, दो हिस्सों में नकाब होता था, तो वो कंडिया लेके चलती थी औरतें, वो साहब पूरा नकाब उतारा और लपेटा और रख दिया कंडिये में। अरे बाप रे बाप यार, फलाने चा के घर की। फिर हमने कहा तुमसे क्या मतलब है, चच्चा बेचारे को भी नहीं पता होगा, और ये भी सोच रही है कि अब गांव के थोड़ी रहे लखनऊ जा रहे हैं, समझे, अब पर्दा वर्दा तो बैकवर्ड लोग करते हैं, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि बैकवर्ड कौन है फॉरवर्ड कौन है। सलवात बरमा सुना दे आपको, सुन लीजिए। एक पर भी असर हो जाएगा कामयाब है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं गया जब मेराज पर, जिब्रील ने मुझको टहलाया, खूब जन्नत की भी सैर कराई, जहन्नम भी दिखलाया। तो देखा कि जहन्नम में कुछ औरतें हैं जो बालों के ऊपर बोलिए लटकाई गई हैं। हमने कहा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये वो खवातीन हैं जो दुनिया में बालों की नुमाइश किया करती थी। तो जो फरमा रहे आप, पता नहीं आप लोग जो है जुलूस उलूस में जाते हैं लेकिन इतना देखा नहीं होगा, हम लोगों का जब नंबर आता है तकरीर का, तो वो बेचारे अंजुमन वाले चलिए हुजूर, तो अब जब हुजूर चलते हैं तो हुजूर को पूरा मजमा चीरते हुए वहाँ स्टेज तक जाना है। तो जो आती हैं जुलूस में, आपने भी गौर किया होगा, पूरे उसमें नकाब भी है यहाँ तक बंद भी है, लेकिन सब होने के बाद हाथ डाला चुटिया निकाला बाहर, तो फिर तुम्हारे नकाब से फायदा क्या, मेन तो वही था जिसको तुमने बाहर निकाल दिया। तो ये तो मरने के बाद, अब सुनिए साहब वो सुना रहा हूँ मैं, तो हमसे क्या मतलब। अच्छा, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मिजाज बदलता है, ये होता है। उनके लड़कों से हमारे काफ़ी ताल्लुकात थे, इलाके की बात थी। 30 साल के बाद एक दिन फ़ोन आया लड़के का, वसी भाई अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम, अम्मा का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहने लगे वो बहुत आपको चाहती थी और वो रोक देती थी बावर्ची खाने का काम, वो बैठ जाती थी इनके सामने, और हम चाहते हैं कि आप नमाज, हमने कहा बिल्कुल आ जाएंगे, इलाके की बात है, रिवायात कहती हैं अपने गांव से वतन से रिश्तेदारों से मिल के रहो। तो हमने कह बजे का 4 बजे मिट्टी है, मैंने साहब गाड़ी मंगवाई अब्बास भाई को, चले गए तो सीधे कब्रस्तान ही चले गए, वहां जाके बैठ गए। ये गढ़ा हुआ है, सच्ची बात नहीं है, मिसाल ला मुनाकशत है फिल मिसाल, बैठ गए साहब। तब तक साहब जनाजा आ गया, तो अब यहाँ लखनऊ में है कि नहीं मालूम, बहुत दिन हो गया यहाँ कोई शिरकत नहीं की है। हम लोगों के यहाँ ये है साहब कि वो अब हट जाइए, हट जाइए। क्या हुआ भाई? कब? वो अब कब्र के किनारे फरिश्ताना जा रहा है पर्दा। मैंने ये क्या है? कहने वो औरत का जनाजा है ना तो पर्दा। मुझे हंसी आ गई, याद आ गया 30 साल पहले बस वाला केस, आप समझे आप। तो वो मेरा एक बचपने का, कहने लगा यार वसी हसन तुमको तमीज नहीं आएगी, बताओ कब्रिस्तान में बैठे हो हंस रहे हो। मैंने कहा हंस रहा हूँ यार 30 साल पहले की बात याद करके, कि जब पर्दा करना था तब तो किया नहीं, आज जब कफन में लिपट चुकी है तो फरिश्ताना जा रहा है। सलावत बर मोहम्मद। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आज जब घर वापस जाइएगा, जिनके घर की खवातीन नहीं आई, अगर उन्हें पूछा आज क्या पढ़ा वसी हसन ने,
या जो खवातीन भी तशरीफ लाए, खुदा बीबी उनके आने की जहमत को इस बारिश में इंशाअल्लाह कबूल करे। जाइएगा अपनी बेटियों को बहुओं को बताइएगा, आज वसी हसन ने पढ़ा कि जब जनाब फातिमा का गुस्ल दे दिया गया, दो कपड़े आए थे बहिश से, फलफतहा बिवाहिद, एक को लपेट दिया गया, वकन्नअतहा बिउखरा, दूसरे का मकना बना दिया गया। समझ में आया, अपने को जिस फातिमा की कनीज कहती हो उसके लिए बहिश से मकना आया है। अब अगर तुम पर्दा नहीं करोगी तो कुछ हो सकती हो, कनीज फातिमा नहीं हो सकती। सलावात दर मोहम्मद वा وخرجت خرقتين بيضاوتين, दो सफेद कपड़े निकाले, اشد بياضا من اللبن, दूध से ज्यादा सफेद, واطيب ريحا من المسك والعنبر, مشك عنبر से ज्यादा खुशबूदार, فلفتها بواحده, एक को लपेट दिया, वकन्नअतहा बिथानिया, दूसरे का मकना बना दिया। अब यहाँ से मज़ेदार है, बाब इस्तफाल की खासियत अगर याद है तभी मज़ा। तुम मस्तन्तकत्हा, फिर उस लेडी ने जनाब फातिमा से कहा कुछ बोलिए। मज़ला यहाँ है क्या, तुम मस्तन्तकत्हा, फिर उस खातून ने कहा बोलिए। मैं कहूँगा बोलिएगा क्या मतलब, तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ तुम लोग बकराती कर रहे हो, अभी तो पैदा हुई, अभी क्या बोलेंगी। ओहो, हम तो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब बोलें चाहे ना बोलें। हमने कहा हमसे क्या मतलब, कहा इस वक्त ये नहीं बोलेंगे, कल को तुम लोग फंस जाओगे। हमने हमसे क्या मतलब, कहा कल को अली के लिए एक रिवायत आने वाली है बेटा, लौला अली लमा काना कुफ्वन लफातिमा, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफो न होता। अगर आज इनको नहीं बुलवाएंगे तो सवाल खड़ा होगा, अली तो पैदा होते ही बोले, फातिमा कहाँ बोली। फम्मस फम्मस तंतकत्हा, फिर उसने कहा बोलिए, फनतकत फातिमा बिशहादतेन, बीवी बोल पड़ी, बोली क्या, शहादतें, शहादतें यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो पहला कलमा कैसे बेटा, अरे हमारी तरफ देखिए, पब्लिक तो आती जाती रही, हाँ सलावात पर मुहम्मद। फनतकत बिशहादतें, बोल पड़ी अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा तो ये हुआ ना, दूसरा अशहदु अन्ना, तो पहला कलमा तो आपकी तरह पढ़ा शहजादी ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर दूसरा तीसरा हमारी आपकी तरह नहीं पढ़ा, और जैसा उन्होंने पढ़ा है वैसा दुनिया में कोई पढ़ नहीं सकता। फनतकत फातिमा बिशहादतेन, बोल पड़ी फकालत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह وَأَنَّ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ, اور میرا باپ ہے رسول اللہ, اور تیسرا بھی وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ, اور میرا شوہر. صلوات در محمد آ सैयदुल औसिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये औरतें जो चारों थीं ये एक दूसरे को गले लगा रही थीं और मुबारकबादियाँ दे रही थीं, तो ये तो चल ही रहा था। थुम्म सल्लमत अलैहिन, फिर खाली कलमे की बात नहीं है, फिर सलाम किया सबको, लेकिन जनरल सलाम नहीं, सलाम अलैकुम जाइए आप लोगों का काम हो गया खुदा हाफिज ना। थुम्मा सल्लमत अलैहिन्ना बिस्मिहिन्ना, नाम ले ले के सबको सलाम किया, सारा, ए मरियम,
हैं, ए आसिया, ए कुलसुम, वो इसमें जो है वो सबसे जो है वो नई कौन है, जनाब मरियम है ना, बकिया और पुरानी भी है। तो जो हज़ार साल पहले इस दुनिया से आके जा चुकी है वो फातिमा, जो पैदा होते ही उनको बाई नेम और फेस पहचान ले, कल को मैदान महशर में अपने चाहने वालों को फातिमा नहीं पहचान पाए। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसीलिए रिवायत है, बस एक ये सुन लीजिए खत, कि कैसे पहचानेंगी वहां, इसी में है 64वां पेज इसी जिल्द में। वक्त ज्यादा ना हो इसलिए सवा आठ बज गए हैं, 15-20 मिनट और बचे हैं, तो सलवात पढ़िए, जल्दी जल्दी सुना देता हूं। खूब एक और सलवात बर मोहम्मद आले। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी आए पांचवें इमाम के पास और मजे की बात यह कि रिवायत नकल किए छठे इमाम ने कि जाबिर आए मेरे वालिद के पास और आगे कहते हैं कि जुइल तो फिदा कि इब्न रसूलल्लाह, ए फरजंदे रसूल कुर्बान हो जाऊं आप पर, हदिसनी बे हदीस इन फी फजल जद्दती के फातिमा, एक ऐसी रिवायत सुना दीजिए अपनी जद्द माजदा की फजीलत में कि इदा अना हदस्तु बिहि शीआ फरहु बिदालिक, कि जब कभी हम आपके शीयों को वो हदीस सुनाए तो शिया खुश हो जाए, है ना, जैसे कुछ शौक होता है, अब मौली साहब बहुत तबलीग हो गई जरा एक नारे वाली पढ़ दीजिए, तो शौक होता है आदमी को। जाबिर को भी शौक हो गया नारे वाली हदीस का, केदा हदस्तु बिही शीआ फरहु, कि जब आपके चाहने वालों से नकल करें तो शिया क्या हो, खुश हो जाए। हजरत ने फरमाया हदसनी अभी अन जद्दी अन रसूलल्लाह, मेरे वालिद ने बयान किया उनसे, मेरे जद ने बयान किया उनसे रसूलुल्लाह ने, जल्दी जल्दी, वरना भी किताब खोले रहेंगे तो देखते रहेंगे, 5 मिनट चला जाता है अरबी पढ़ने में। सलावात बर मोहम्मद आल जी, बस। तो पैगंबर ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा तो अंबिया और रसूल के लिए नूर का मिंबर रखा जाएगा, बीचों बीच सबसे ऊंचा मिंबर मेरा होगा, अल्लाह कहेगा या मोहम्मद उख्तुब, खुतबा दो, मैं वो खुतबा दूंगा कि आज तक किसी नबी ने सुना ना होगा। खुतबा देना तो दूर की बात है, फिर औसिया का मेंबर रखा जाएगा, उसमें सबसे ऊंचा मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब का मेंबर होगा, अल्लाह कहेगा या अली उख्तुब, आप भी खुतबा दीजिए, अली भी ऐसा खुतबा देंगे कि आज तक किसी वसी ने ऐसा खुतबा सुना ना होगा। फिर औलादे अंबिया के लिए रखा जाएगा और उसमें सबसे ऊंचा मेरे बच्चों का, अल्लाह कहेगा उख्तुबा, तुम दोनों खुतबा दो, फिर ये लोग ऐसा खुतबा देंगे कि आज तक औलादे अंबिया ने सुना नहीं होगा ऐसा खुतबा। थुम्म युनादिल मुनादी व हुआ जिब्राइल, फिर चिल्लाने वाला चिल्लाएगा वहीं से, और वो कोई और आवाज़ देने वाला नहीं बल्कि जिब्राइल होंगे, ऐना खदीजा बिन्त खुवैलिद, ऐना फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐना मरियम इब्नत इमरान, ऐना उम कुलसुम उम यहया इब्न ज़करिया, कहाँ हैं ये लोग, फ़यकुमन, खड़ी हो जाएंगी, तब तक जिब्राइल अल्लाह की आवाज़ आएगी, या अहलल जामा लिमन अल-मुल्क लिमन अल-करम अल-यौम, आज करम किसके पास है, कौन जवाब देगा, वहां किसी के में दम है बोलने का, फयकुल मोहम्मद व अली वल हसन वल हुसैन लिल्लाह अल वाहिद अल कहार, फिर ये शख्सियत जवाब देंगे आज करम अल्लाह के पास है, जैसे ही ये कहेंगे आज करम अल्लाह के पास है, अल्लाह कहेगा इन्नी जअलतुल करम लि मुहम्मदिन व अलीन वल हसनी वल हुसैन व फातिमा,
तो अब मैंने ये करम अता कर दिया है मोहम्मद को, अली को, हसन को, हुसैन को, फातिमा को। अब जिब्राइल नाका लेके आएंगे, उस नाके के भी फजाइल इसमें लिखे, ट्रांसपेरेंट होगा, क्या होगा, सामने खड़ा है, आप पीछे देख सकते हैं, वो सारी खसूसियात नाके की। फिर प्रोटोकॉल हर जगह सबका अलग अलग है। जनाब फातिमा खातून जन्नत है, इकलौती हैं, तो उनका प्रोटोकॉल तो वैसे होगा ना, तो 100,000 फरिश्ते दाएँ, 100,000 बाएँ, इस तरह से ले करके फरिश्ते आएंगे इंद बाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे के पास। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर आएंगी, तल्तफत, रुक जाएंगी, आवाज़ कुदरत आएगी, या बिन्त हबीबी मा इल्तफातु के, हे हबीब की बेटी क्या बात है, रुक क्यों गई, मैंने आपके लिए जन्नत का हुक्म दे दिया है, तशरीफ ले जाइए। तो बीबी का जवाब होगा, खुदा आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती। जैसे ही फरमाएंगी आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती हूँ, वैसे ही आवाज़ कुदरत आएगी, इर्जई, वापस जाइए मैदान महशर में, और वहाँ जाके ख़ुद इंतखाब कीजिए जिसके दिल में भी आपकी या आपकी ज़ुर्रियत की मोहब्बत हो, उसको वहाँ से लाइए, बहिश्त में दाखिल कर दीजिए। इसी किताब में है, पांचवें इमाम ने मिसाल दी है, क्या गज़ब की, फरमाते हैं जैसे परिंदे खराब दानों के बीच से अच्छे दाने चुन लेते हैं, वैसे ही पूरे महशर से फातिमा ये जहरा अपने चाहने वालों को चुन लेंगी। आप इन लोगों को लेके आएंगी। मजे की बात ये है कि रिवायत कहती है कि युल्किल्ला, अल्लाह इनके दिल में डाल देगा, जो जनाब फातिमा के तुफैल सलामुल्लाह अलैहा बच के आए हैं, कब इनका बेड़ा पार है, बहिश्ती है, इनके दिल में अल्लाह डाल देगा। हमें तुम लोग भी रुको, अब ये लोग रुक जाएंगे, और फिर उल्टा खुदा इनसे पूछेगा, या अहबाई मा इल्तफातुकुम, क्या बात है भैया, आप लोग क्यों रुक गए, हमने आपके मैटर में फातिमा की शफात कबूल कर ली है, जाइए आप लोग। तब ये लोग जवाब देंगे, नक्शेबाजी ये देखिए, जिसका अपना खुद का भरोसा नहीं है, फातिमा जहरा के तुफैल में कहां पहुंचेगा आदमी। या हबाई मा इल्तफातुकुम, क्या बात है, हमने तुम्हारे बारे में फातिमा की शफाअत कबूल कर ली है, जाते क्यों नहीं। ये लोग भी वही जवाब देंगे, खुदा हम अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। आवाज़ कुदरत आएगी, तो जाओ तुम लोग भी वापस जाओ महशर में, और जाके वहाँ देखो, मन अहब्बकुम फी हुब फातिमा, जिसने तुमको चाहा हो फातिमा की वजह से। मन अहब्बकुम फी हुब फातिमा, जिसने तुमसे मोहब्बत की हो फातिमा की वजह से। वमन अतअमकुम फी हुब फातिमा, जिसने तुमको खाना खिलाया हो फातिमा की मोहब्बत में। वमन कसाकुम फी हुब फातिमा, जिसने तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास दिया हो। मौला ये जन्नत पैसे वालों के लिए है, खाना खिलाएगा आदमी 1500 खर्च होगा ना,
किसी को 20 जमात सानी आ रही है फातिमा के नाम पर कपड़ा पहना दे किसी गरीब को तो 1500 लगेगा ना। हम मौला जो बेचारा रक्षा चलाता है दिन भर मजदूरी करके 400 तो कुल मिलता है, खाने को अपने नहीं है तो किसी को क्या देगा। यानी जन्नत पैसे वालों की है। अजब नहीं हजरत कहे भैया आगे पढ़ो, इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हो तुम। वमन सकाकुम शरबत मिन माइन फी हुब फातिमा, जाओ देखो जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में एक गिलास पानी पिलाया। अब क्या चाहिए, सबके लिए रास्ता खुला। मेयार पैसा नहीं है, मेयार इश्क फातिमा है, फातिमा की मोहब्बत में। जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में गिलास पानी पिलाया, जिसने भी फातिमा की मोहब्बत में तुम्हारी गीबत होने से रोका हो, जाओ हाथ पकड़ो और लेके बहेश्त में चले जा। फिर इमाम फरमाते हैं कसम खुदा की जाबिर, फिर सिवाय शाक और मुनाफिक के कोई बचेगा नहीं मैदान। यही तो मैं कहता हूँ ना, ये सब पढ़ने के बाद के बीवी क्या थी, इन लोगों की अक्ल पर सवाल खड़ा होता है। पागल थे, दीवाने थे, क्रेक थे, दुनिया की मोहब्बत ने अंधा कर दिया था। यानी जिस फातिमा को ये नजात का जरिया बना सकते थे, बख्शिश का वसीला बना सकते थे, उस फातिमा के दरवाजे पर आग। उस फातिमा के दरवाजे पर लकड़ी। कल बात यहां तक आई कि उस शख्स ने तलवार निकाल ली, तलवार के दस्ते से इतनी जोर की जर्ब लगाई कि बीबी की चीख निकल पड़ी, या फिद्दत खुदीनी लकद सकतत माफी आशाय, फिज्जा मुझे पकड़ लो, फिज्जा मुझे सहारा दे दो, फिज्जा मेरा बच्चा मर गया। उधर से मौला भी चीख पड़े, या फिज्जत अदर की मौलात की, फिज्जा दौड़ो अपनी बीबी की खबर लो। नतीजा ये हुआ कि बीबी इस हादसे के बाद बेहोश हो गई। इतनी बात है, गश आ गया। जब गश आ गया तो इनको मौका मिल गया, इन्होंने अमीर सलामुल्लाह अलैह के गले में रस्सी का फंदा डाला। एक आदमी आगे से खींचता हुआ, दूसरा आदमी पीछे गिरता। अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम अल-ग़ुस्ब हक़। मेरे मौला सलाम हो आपकी मजलूमियत पर। आका इधर लेके आए मस्जिद में, गर्दन पर अमीर सलामुल्लाह अलैह के तलवार रख दी। बैयत करो नहीं मत डालेंगे। तारीख कहती है हजरत की ये मुट्ठियां बंद है इस तरह से। कुछ लोग कोशिश करके हाथ खुलवा रहे हैं, छुला के शोर मचा दें कि बैयत हो गई, गर्दन पर तलवार है। उधर बीबी को अब इफाका हुआ गश से। जैसे ही गश से इफाका हुआ, पहला सवाल अली कहाँ गए। अपना गम नहीं, अपना दर्द नहीं, कील तक सीने में धंसी है ना, उसके बावजूद अपना दर्द नहीं। पहला सवाल अली कहाँ गए।
किसी ने बताया गिरफ्तार करके ले जाया गया। मशहूर तो यह है कि सर पे रेदा डाली, घर से निकल पड़ी। लेकिन एक जगह मैंने कहीं पढ़ा और वो बात समझ में भी आती है कि इस हादसे के बाद बीबी से चला नहीं जा रहा था। बात भी अक्ल में आती है। तब का दो औरतें खानदान की बनी हाशिम की, दोनों तरफ से बीबी का बाजू थामा, पकड़ा के घर से लेके निकली है। खल्लू इब्न अम्मी, छोड़ो अली को वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूंगी। ये बाबा का कुर्ता सर पे रख लूंगी का मतलब बताते हैं बुजुर्ग हमारे, यानी बद्दुआ कर दूंगी। एक जगह रिवायत में है कहीं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बज्म है, ये बात निकल आई। पांचवें इमाम फरमाते खुदा की कसम अगर हमारी दादी नबी का कुर्ता सर पे रख लेती मदीने में एक आदमी जिंदा ना बचता। खल्लो इब्न अम्मी, सलमान फारसी कहते हैं, अली को छोड़ दो वरना बाबा सर के बाल खोल दूंगी। सलमान कहते हैं जैसे ही बीबी ने ये जुमला कहा मस्जिद नबवी बुलंद होने लगी अपनी जगह से। जर्रा जर्रा इनकी अजमत से वाकिफ। अब देखिए अपने मौला का करम भी सुन लीजिए। क्या मतलब था बकौल पांचवें इमाम के, अगर जो है वो बद्दुआ कर देती एक आदमी ना बचता ना, मौला से कोई मतलब था? मदीना तबाह हो जाता, कल को तारीख लिखती नबी की बेटी को इतना सताया, बद्दुआ कर दी, मदीना खत्म हो गया, तमाम। अली से क्या मतलब? लेकिन वाह रे मेरा मौला कितना करीम है मेरा आका। अरे मौला तुम क्या थे, तुमको नहीं पहचाना दुनिया ने, या अली तुमको लोगों ने नहीं पहचाना आका। मैंने अभी बताया ना, गर्दन पे तलवार रखी, बैत करो वरना मार देंगे। सलमान फारसी कहते हैं कि इतने में जैसे ही मौला के कानों में आवाज पहुंची बीबी की, उस हालत में बुलाया, सलमान यहाँ आओ। जी मौला। का दौड़ जाओ जहरा से कह दो घर चली जाए। ये सलमान, अगर फातिमा ने बद्दुआ कर देना मदीने में कोई बचेगा नहीं, दौड़ जाओ सलमान। सलमान कहते मैं भागा भागा आया, बीबी आप रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी हैं, आप अजाब की सबब न बनिए। फरमाया सलमान कैसी बात करते हो, मेरा भी मिजाज नहीं है ये, मैं नहीं चाहती है। कब तब का देख नहीं रहे ये लोग अली को मारना चाहते हैं। अरे मैं सब बर्दाश्त कर लूं, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त कर। सलमान कहते मैंने कहा बीबी मैं खुद से कहने थोड़ी आया हूं। कहा फिर? कहा मुझसे अली ने कहा है। अली ने कहा है? जी मैं अली की इताअत गुजार हूं। है कोई दुनिया में खातून ऐसी? अल्लाहु अकबर। यही वजह है पसलियों का टूटना, दरबार में जाना। पढ़ चुका मैं और नहीं दिल दुखाऊंगा आपका। मोहसिन की शहादत, ये सारी चीजें मिल करके इतना असर हुआ है कि कुल 18 बरस की उम्र है फातिमा की, मगर रिवायत कहती है एक वक्त वो आ गया कि फातिमा घर के आंगन में चलती है तो आशा के साथ।